सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में चाप के जितने भी हमारे कौन है, तीन हमारे पास दिए हुए हैं, तीन प्रश्न चाप के 96, 97 और 98। इन तीनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। इनमें से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम करेंगे 96। दी हुई चाप एसी का वृत्त बिना केंद्र प्रतीत किए पूरा करो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दी हुई है चाप। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पेपर में दिया जाता है हम सबसे पहले वो चीज़ लेते हैं। तो हमें दी हुई है चाप, तो हम यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं। ये मैंने एक चाप ले लिया यहाँ पे, ये। अब हम इस चाप का नाम दे देते हैं, इस चाप का नाम हम दे देते हैं ए सी। जो प्रश्न में कहा है वही हम दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे बी। हमने क्या करना है, इनको मिला देना है, जो भी हमारे पास लाइनें आई है ये मैं इनको डॉटेड मिला देता हूँ। हमने ए सी को मिला दिया और बी सी को मिला दिया। और सी सॉरी ए बी को भी हम मिला दें। ये हमने मिला दिया। अब हम अगला प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी जितनी प्रकार खोलेंगे, ये ए सी जितनी प्रकार खोलेंगे और बी को केंद्र मानेंगे। बी को केंद्र मान के हम जो है वो यहाँ पे चाप लगा देंगे, ऐसे चाप लगा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है इसके नाम हम दे देते हैं लाइनों के। ये हमारा है एक, ये हमारा है दो, ये हमारा है तीन नंबर लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी जितनी प्रकार खोलेंगे, पहले हमने ए सी जितनी प्रकार खोली और यहाँ से बी से हमने बी से चाप लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ए बी जितनी प्रकार खोलेंगे ये, और सी से इस चाप को हम काट देंगे ये। जहाँ पे ये चाप कट रही है इसका नाम हम दे देते हैं डी, और हम जो है डी और सी को मिला देंगे डॉटेड ऐसे, और डी और बी को भी मिला देंगे ऐसे। इसका भी हम नाम देते हैं, जैसे ये एक नंबर चाप लगाई थी हमने, ये जितना ये दो है तो ये हम दो लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम ए सी जितनी प्रकार खोलते हैं, जितनी हमारी ए और सी है, ये देखिए ए सी जितनी हम प्रकार खोलेंगे और सी को केंद्र मानेंगे, सी को केंद्र मान के हम जो है वो यहाँ पे एक चाप लगा देंगे ऐसे। और फिर हम सी और बी जितनी प्रकार खोलेंगे, सेकेंड टाइम में सी और बी जितनी प्रकार खोलेंगे, और हम डी से इस चाप को काट देंगे। दोबारा से हमें चाप लगानी पड़ेगी, हमारी कम रह गई है, ये हमारी इक्वल है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जहां ये कट रही है यहां से डी से, इसका हम नाम दे देते हैं ई, ई नाम हम इसका देंगे, और हम इसको यहां से मिला देते हैं डी से, ई हम मिला देंगे और ई से सी हम इसको मिला देते हैं डॉटेड इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हाथ से जो हमने ये सर्कल हमारा है वो हमने पूरा करना है। हम हाथ से जो है वो ये वृत्त हम इसको पूरा कर, इनको मिला देते हैं चापों को ऐसे, हाथ से हमने ये मिलाना है। आप इसके लिए क्रिया जो दी हुई है प्रश्न में 96 में वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो चापे हमने वो हाथ से लगानी है। ये देखिए हाथ से आपने इस सर्कल जो है वो
पूरा करना है। ये देखिए ये आपका सर्कल जो है वो बन के तैयार हो गया है, 96 है। आप प्रश्न में जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे भी इसको आप देख सकते हैं, ये आपका पहला है चाप वाला। अगला है आपका 97, दी हुई चाप ए बी के बिंदु ए से केंद्र के प्रयोग के बिना स्पर्श रेखा खींचो, जबकि बिंदु सी बिंदु चाप के सिरे पर दिया है। ए हमने कैसे बनाना है, इसमें भी हमें चाप दे रखी है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाप लेनी आनी चाहिए, आपने जब भी चाप लेनी है तो यहाँ तक नीचे चाप नहीं लेनी है, यहाँ तक, ये आपका अर्धवृत्त होता है, चाप आपकी ऊपर ही रहती है ऐसे, ये आपकी चाप है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, चाप दी हुई है, हमने क्या करना है इसमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम इसको मिला देते हैं चाप को, डॉटेड। आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, आपकी स्क्रीन में पूरा प्रश्न दिया हुआ है कि कैसे ये बना हुआ है। अब हमने इसका समद्विभाजन करना है, समद्विभाजन में समान दो भागों में हमने इसको बांटना है, आप देख सकते हैं ये सारा काले डॉटेड है, ऐसे हम इसको काट देंगे और इन दोनों चापों को जो एक कटी हुई चाप है इनको मिला दें। ये प्रश्न में काफी पूछा जाता है, पेपर में ये प्रश्न जो है वो काफी पूछा जाता है, यहाँ पे जहाँ ये कट रहा है ये पॉइंट हमारा आ गया डी ई। अब हमने ए और डी को मिला देना है, जो इसका सिगरेट है इस प्रश्न का छिपा हुआ, जहाँ से ये प्रश्न सही और गलत होता है वो यही है। आपने क्या करना है, ये जो रेखा आ रही है इस पे जो कोण बन रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास कोण बन रहा है ये एंगल जो आपका बन रहा है, इसी एंगल को आपने आगे बढ़ा देना है। बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना देते हैं, जो कि गलत है। हमने क्या करना है, ये चाप हमने आगे लगा दी है, अब हमने यहाँ से इतनी प्रकार खोल के नहीं काटना है, बेशक इतना आ जाए पर आपने नहीं काटना है, आपने इतनी प्रकार खोलनी है इतनी। ये जो आपका कोण है पहले बनाओ, ये वाला कोण है, इतनी प्रकार खोल के आपने आगे इसको काट देना है ऐसे, ये सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं है कि आप जो है वो इतनी प्रकार खोल के आगे काट देते हैं, देखो ये बेशक है, ये देखो ये ऊपर जा रही है चाप, ये नीचे आ रही है, इसमें फर्क रहता है, इसलिए आपने ये इतनी प्रकार खोल के आपने आगे जो हो यहाँ चाप काट देनी है। अगर हम 60 डिग्री वाली, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम 60 डिग्री वाली काटते जैसे मैक्सिमम बच्चे करते हैं, देखिए यहाँ ये देखिए ये ऊपर लग रही है चाप, ये देखिए इन चापों में फर्क है, इतना फर्क है चाप में, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने इतनी प्रकार खोल के चाप लगानी, इतनी, बच्चों का तभी गलत हो जाता है क्योंकि आप लोग गलत तरीका यूज करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इसका पॉइंट का नाम हम यहां दे सकते हैं ई, और हम ई और ए को मिला दें, ये आपका चाप पे ए बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा, इस तरह से आपकी स्पर्श रेखा होगी। ये था प्रश्न नंबर 97, आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगला जो आपका है 98, ए बी चाप बाहर दिए बिंदु ई से केंद्र प्रतीत किए बिना स्पर्श रेखा खींचो। इसमें क्या था, पहले वाले में जो आपने अभी पढ़ा था 97, इसमें ए बी चाप के ए से स्पर्श रेखा थी, और जो ये वाला है इसमें ए बी चाप के बाहर बिंदु आपका ई दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आपका सॉल्व होना है। आपने सबसे पहले एक चाप लेनी है ए बी, यहाँ ले लेता हूँ ये, अब देखिए मैंने आपको बताया था चाप कैसे लेनी होती है, नीचे तक यहाँ तक नहीं लेके आना है, ये जो आपका है वो फिर अर्धवृत्त बन जाता है अगर आप यहाँ तक लगाते हैं, ये ऊपर ही लगानी है। हमारे पास जो दिया हुआ है हम वो ले लेते हैं ए बी, और ए बी की बाहर बिंदु दिया हुआ है ई,
इस तरह से हमारे पास ई दिया हुआ है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं प्रश्न को। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ए बी को। ये हमने ए बी चाप को मिला दिया और ई को भी इसके साथ हम मिला देते हैं, ऐसे हमने मिला दिया। अब हमने क्या करना है, जितना हमारे पास बी ई है की रेखा, इस रेखा का हमने संधि भाजन करना है। ये ए बी का संधि भाजन नहीं है, बी और ई रेखा, ई और बी रेखा, इस रेखा का संधि भाजन है। तो पहली प्रकार हमने बी पे रखी थी, अब हम इसको ई पे रखते हैं और इन चापों को काट देते हैं। देखिए ये हमने काट दिया है और हम इन दोनों चापों को भी आपस में मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है, ये पॉइंट आपका आ गया है ओ। हमने क्या करना है, ओ पर प्रकार रखनी है, ये ओ पॉइंट है, ई जितनी या अपने बी जितनी प्रकार खोलो, क्योंकि तो आधा ही है, आधा है, तो ये हमने प्रकार खोल दिए। अब हमने यहाँ पे अर्धवृत्त बनाना है, तो ये अर्धवृत्त हम ऊपर को नहीं नीचे को बनाएंगे, ऐसे दोनों साइड बना सकते हैं, वो अलग मेथड है, मेथड तो यही है, पर वो उसमें फिर 90 डिग्री का कोण ऊपर को बनेगा, इसमें 90 डिग्री का कोण नीचे को बनेगा, ये मैं बता देता हूँ। और अगर आप ऊपर को बनाना चाहो तो आप यहाँ से ऊपर को भी ऐसे आप वृत्त लगा सकते हैं, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो फिर ऊपर को बनेगा, यहाँ से मैं नीचे को बनाऊंगा, बस इतना सा फर्क है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये हमने बना दिया है, अब हम ये जो पॉइंट है आपका है यहाँ पे, आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए यदि आप अर्धवृत्त ऊपर को लगाते हैं, यहाँ से इधर को लगाते हैं, 90 डिग्री का कोण ऊपर को बनेगा, यदि हमने नीचे को लगाया है तो 90 डिग्री का कोण भी नीचे को बन रहा है। 90 डिग्री का कोण आपको आता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ प्रकार रख रहा हूँ और कैसे कैसे चापे लगा रहा हूँ, आप वैसे ही 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया है। अब 90 डिग्री के कोण वाली रेखा, ये रेखा जहाँ पे हमारे इस अर्धवृत्त को काट रही है, ये पॉइंट हम दे देते हैं सी, और सी से हम ई को मिला देंगे। ये देखिए सी से ई को हमने मिला दिया है, अब हमने क्या करना है, ई से सी जितने प्रकार खोलें, ये देखिए खोल दी। अब हमने यहां से चाप लगानी है, ऐसे सी से हमने ऊपर को चाप लगा दी ऐसे, और जहां पे ये पहले वाली चाप जो आपकी ए बी चाप थी, इस चाप को काट रही है, ये पॉइंट आ गया आपका डी। पूछा क्या था कि ए बी चाप जो आपकी दी हुई है उसके बाहर बिंदु ई से स्पर्श रेखा खींचनी है, जो इसको स्पर्श करे, तो अब हमने डी और ई को मिला देना है। ये देखिए और ये आपकी आ गई स्पर्श रेखा, ये देखिए ये आपकी स्पर्श रेखा आ गई, और ये प्रश्न नंबर 98 है, आप इसको प्रश्न में भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया हुआ है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं।